सेफ एंड साउंड एट योर प्लेस एंड प्रीवियस वीडियो वी रेट अबाउट हाफ ऑफ चैप्टर ना टूडे वी विल रीड नेक्स्ट गर्मी के दिन थे बाबू जी दफ्तर गए हुए थे अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुकर खुश हो गई थी लेकिन बच्चों की आँखों में आज नींद कहाँ उनको तो आज नींद आ ही नहीं रही थी अम्मा जी को बह बहलाने के लिए दोनों दम रोके अपनी सांस को एकदम रोक के आंखें बंद किए हुए मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी अच्छी तरह सो जाए और हम बाहर चले जाएं जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो से सो गई दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सटकनी खोल बाहर निकल आए अंडों की हिफाजत की तैयारियाँ होने लगी। दोनों धीरे से अपने दरवाजे की चिटकनी खोल के और बाहर आ गए अब उनको तो अंडों की चिंता हो रही थी नींद किसको आए? उनको नींद आ नहीं रही थी दोनों बाहर आ गए केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया अब वो क्या किया उसने स्टूल उठा के लेके आया अब स्टूल से उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी तो जो बाथरूम में नहाने की चौकी थी जिस पे बैठ के नहाता था वो चौकी ले आ रहा उसके ऊपर स्टूल रख दिया श्यामा देखो आप फोटो में देख सकते हो ये चौकी है चौकी के ऊपर स्टूल रखा हुआ है श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़ी थी श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थे उसको डर लग रहा था कि कहीं अब कहीं भैया नीचे न गिर जाए स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था उसके जो स्टूल के चारों पैर थे वो बराबर उस पट्टी पे चौकी पे नहीं टिके हुए थे वो थोड़ा सा कहीं से ऊँचा था तो जिधर ज़्यादा भार होता या दबाव पड़ता वहाँ से वो थोड़ा हिलता था उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता है उस टाइम के सब डर जाता था उसको बहुत तकलीफ़ होती थी डर लगता था दोनों हाथों से कारनीस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता अच्छी तरह पकड़ दोनों तरह से उसको ऊपर जो उसकी पट्टी थी कार्निश की वो पकड़ लेता और श्यामा को धीरे से डांटता जोर से डांटेगा तो मम्मी उठ जाएंगी तो वो धीरे से डांटता अच्छी तरह पकड़ मैं नीचे गिर जाऊंगा फिर बोलता वरना उतर कर बहुत मारूंगा मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्स पर था वो श्यामा का दिल तो कहाँ था कार्स पे था वो तो उन बच्चों के ऊपर ध्यान था उसका तो अंडों पर उसको भैया का ध्यान उतना नहीं था बार बार उसका ध्यान इधर उधर इधर उधर चला जाता बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते वो कार्निस के ऊपर रखे हुए उस घोंसले के बारे में सोचने लगती तो स्टूल को ढीला कर देती छोड़ देती भूल जाती केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी लेकिन केशव ने हाथ रखते ही वो उड़ गई केशव ने देखा कारनिश में आ, पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे और उसमें तीन अंडे पड़े थे जैसे घोंसले उसमें पेड़ों जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है श्यामा ने नीचे से पूछा के बच्चे हैं भैया कितने बच्चे हैं भैया उसने पूछा तीन अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले हैं केशव ने क्या बोला तीन अंडे हैं अभी तो बच्चे नहीं निकले हैं श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं वो नीचे से उसको जिज्ञासा हो रही है उसको देखना है कि कैसे हैं तो वो बोलती है थोड़ा मुझे दिखा दो ना भैया कैसे हैं कितने बड़े हैं ये सब दिखा दूंगा जरा पहले चितड़े लिया नीचे बिछा दूँ बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं चितड़े यानी जो अपने कोई फटे पुराने कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं ना उसको बोलते तो वो बोला लेके आ अंदर से तो इन के अंडों के नीचे बिछा दूँ क्योंकि ये तो तिनकों पे पड़े श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई अपनी जो पुरानी उसकी थी धोती उसको फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई जो साड़ी पहनते ना वो उसको वो लोग गांव में धोती बोलते हैं केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया केशव ने थोड़ा सा झुका और उससे कपड़ा ले लिया और उसकी तह करके उसको फोल्ड किया दो तीन लेयर में कई तह करके उसे एक गिद्धी बनाई और तिनको के ऊपर बिछा दिया बिछा कर तीनों अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए उसने जैसे अपन रुमाल की तह बनाते ना वैसे ही तह बनाई तीन चार लेयर की और उसको रख के बिछा के उसके ऊपर तिनको से हटा के अंडे और उस कपड़े पे रख दिए श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया श्यामा ने बोला मुझे भी तो दिखाओ भैया केशव दिखा दूँगा पहले जरा वह टोकरी तो दे दे उस पर छाया कर दूँ भाई पहले टोकरी तो दे उनके छाया कर दूँ दिखा दूँगा तुझे क्या जल्दी हो रही है देखने की श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ मैं भी तो देखूँ श्यामा ने टोकरी देते हुए कहा भैया अब तुम उतरो मैं भी चढ़ूँ मैं चढ़ूँगी तभी तो मैं उनको देख पाऊंगी केशव ने टोकरी को एक टहनी पर टिका कर कहा जा दाना और पानी में पानी की प्याली ले आ फिर उसने तो और काम बता दिया उसको बोला जा दाना और पानी की प्याली ले आ मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूँगा भाई वो सब ले आ पहले सामान उसके बाद मैं उतरूँगा तो तुझे दिखा दूँगा श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया श्यामा बोली भाई मेरे को भी चढ़ा दे अब तो चढ़ा दे इतनी देर हो गई तू तो तु तु उन गो अंडों को देख रहा है आराम से उनकी सेवा कर रहा है मैं नीचे खड़ी खड़ी आपका इंतज़ार कर रही हूँ केसो तो गिर पड़ेगी कैसो अब बड़ा भाई है उसको चिंता हो रही है कि नीचे गिर गई तो मम्मी मारेगी मेरे को वो उसको समझाता है बोलता है नहीं तू गिर पड़ेगी श्यामा ना गिरूंगी भैया तुम नीचे से पकड़े रहना मैं नी बोला भैया मैं नहीं गिरूंगी तुम स्टूल को पकड़े रहना केसो ना भैया कहीं तू घिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर देगी बोला नहीं तो कहीं गिर गई ना तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही बना देगी कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था क्या करेगी देखकर अब अंडे बड़े आराम से है जब बच्चे निकलेंगे ना तो उनको पालेंगे वो उसको बहन छोटी जिद कर रही है तो उसको समझा रहा है क्या करेगी चढ़ के ऊपर चढ़ेगी नीचे गिर जाएगी मम्मी भी डांटेगी इससे अच्छा ऐसा है कि अभी रहने दें बाद में जब अंडे निकल जाएं, अंडे में से बच्चे निकल जाएंगे तब उसको हम मिलकर पालेंगे दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बिना बगैर बैठे ही उड़ जाती केशव ने सोचा हम लोगों के डर से कहीं नहीं बैठती अब केशव अपना दिमाग लगा रहा है उसको लग रहा है कि हमसे डर रही है इसलिए कार्निस पर नहीं बैठ रही है स्टूल उठाकर कमरे में रखा या चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी चौकी बाथरूम से लाए तो वो वहाँ रख दी स्टूल अपने कमरे में रख के आ गया और उसने वहाँ से हट गया श्यामा की आंखों में आंसू श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया मैं अम्मा जी से कह दूंगी उसने भैया को धमकाते हुए कहा तूने मुझे नहीं दिखाया भैया मैं मम्मा को कह दूंगी अम्मा को कहूंगी तो क्या करेगी अम्मा तो पिटाई करेगी भैया डर गया अम्मा से कहेगी तो बहुत मारूंगा कह देना कह देता हूँ बोला केशव क्या बोला अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा कहे देता हूँ भैया भी वापस धमका रहा है कि पहले कह रहा हूँ मैं तेरे को अगर तूने मम्मी से कहा तो मैं तेरे को खूब मारूंगा श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं श्यामा वापस बोली कि भाई तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं अब तो मैं कहूँगी केसव और घिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते अगर केशव बोलता है फिर अगर तुम नीचे गिर जाती तो एक सर के चार सर हो जाते तेरा सिर फूट जाता श्यामा हो जाते हो जाते देख लेना मैं कह दूंगी हो जाते तो हो जाते सिर तो कुछ आर कोई बात नहीं पर देख लेना मैं माँ से कह दूंगी इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आई अब मम्मी क्या नींद से उठ के आई है तो उनको धूप लग रही थी तो अपनी आँखों को धूप से बचाते हुए बोली तुम दोनों बाहर कब आए मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना किसने कबाड़ खोला भई मैंने तो मना किया था सोते टाइम कि कोई बाहर नहीं आएगा धूप में क्यों निकले किसने खोला दरवाज़ा किवाड़ के सब ने खोला था लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही उसे डर लगा कि कहीं भैया पिट जाएगा उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे केसव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अब किवाड़ तो केसव ने खोला था पर श्यामा को डर था कि भैया की पिटाई हो जाएगी तो दोनों भाई बहन चुप रहे अंडे ना दिखाए थे इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था अब केशव का दिल दिल में केशव को भी डर लग रहा था दिल काँप रहा था कि कहीं ये श्यामा कह ना दे मैंने इसको अंडे नहीं दिखाए ना तो ये गुस्सा तो हुई भी है इसका मुंह तो फूला हुआ है ये मम्मी से कह देगी तो अभी तो पिटाई हो जाएगी श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता अब श्यामा क्यों चुप थी ये नहीं कह सकते क्योंकि या तो उसको भाई से बहुत प्यार था इसलिए वो चुप थी या ये जो गलती हुई है उसमें वो बराबर की हिस्सेदार थी इसलिए वो चुप थी अब इन दोनों में से क्या था ये तो हम बता नहीं सकते शायद दोनों ही बातें रही होगी भाई शायद दोनों ही बातें थी माँ ने दोनों को दाँट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी दोनों को मम्मी फिर से कमरे में ले गई और ले जाकर कमरा बंद कर दिया और धीरे धीरे उनको पंखा जलने लगी अभी सिर्फ दो बजे थे बाहर तेज लू चल रही थी अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी अब मम्मी पंखा जल रही थी पंखे की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और दोपहर के दो, दो बजे थे बाहर लू चल रही थी तो दोनों बच्चों को क्या हुआ नींद आ गई थैंक यू नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हैव अ नाइस डे